को पहुंचे। आइए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज याद रखिए कि हम जब ये चीज को सुनेंगे, मैं जब ये बात रख रहा हूं, तो आपको अपनी अमले जिंदगी में इसको अमल में लाना है। जब तक आप इसको अमल में नहीं लाएंगे तो शैतान आपको हजार ऐसे बहाने देगा कि ये काम नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, लोग भाग गए तो, कोई मर गया तो, फलां हो गया तो, लूट के ले गया तो, नहीं दिया तो, ये सारी बातें आप भूल जाइए। सबसे पहले आपने इन्वेस्ट किया, लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कितने बार डूब जाते हैं, कभी सोचते हैं आप किसने लेके भागा, कोई बात भी नहीं करता, एक दूसरे को बताते भी नहीं है। लेकिन जब बिला सूदी निज़ाम कायम करने की बात आ रही है तो शैतान आपको सौ सवालात लाएंगा, मैं जानता हूं। तो प्रैक्टिकली क्या करना है, सबसे पहले हमको अमल करना है, वरना क्या है मालूम आपको, मैं आपको स्विमिंग सिखा रहा हूं, तैरना सिखा रहा हूं और पानी के बाहर सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप जब पानी में कूदेंगे तो आप बोलेंगे इसके तो अजीब प्रॉब्लम है, आपने मेरे को बाहर सिखा दिया स्विमिंग के लिए, इसी तरह हाथ मारते हैं, यूं तैरते हैं, पता चला पानी में वो ठंडा था, अब आपको ठंडक का मालूम ही नहीं, आपको अस्थमा है, आपको मालूम नहीं, बाहर तो आपने तैरना सीख लिया। प्रैक्टिकली उतरना पड़ता है, तो पानी ठंडा होता है, पानी में मछलियाँ हो सकती है, पानी में कीड़े हो सकते हैं, पानी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, पानी के नीचे कुछ हो सकता है, पानी कम हो सकता है। प्रैक्टिकली आप जब उतरेंगे तो ही चीज़ें समझ में आती है। वैसा बाहर बैठे तो सौ बातें शैतान आपको लाएंगा। सूदखोरों के पास जाके सूदी लोन लेते वक्त कोई सवाल आपके जहन में नहीं आएगा, सूदी सिस्टम को एक्सेप्ट करने में आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जब ये बिला सूदी नज़्म कायम करेंगे तो 100 सवाल शैतान डालने वाला।